मेरा नाम दीपक यादव है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। उन्होंने ये पास ही में गांव है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज सनोटा, वहाँ से 10वीं की परीक्षा पास करी और उसके बाद जो है इंटर उन्होंने कलौंदा गांव है, जिला बुलंदशहर इधर पड़ता है पश्चिम साइड में गांव के में, वहाँ से इंटर करी और फिर उनकी एज होगी 17 साल और फिर जो उन्होंने आर्मी की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद जो है पिताजी भी हमारे आर्मी में थे, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी थी, तो उनके रिलेशन से वो पहली ही भर्ती में भर्ती हो गए थे। फौज में जाने का जज्बा क्या पिता से मिला? हाँ जी। क्या कहते थे अपने पिता से, मुझे फौज में जाना है? हाँ जी हाँ, वो कहते थे कि जो मैं भी फौज में जाऊंगा। मम्मी हमारी मना करती थी लेकिन पिताजी कहते थे नहीं, जब इसकी इच्छा है तो जाने दो, इसे भी देश के लिए कुछ करने दो। और मैं नहीं भेजूंगी। देखो माँ का दिल तो ऐसे ही होता है, वो अपने बच्चों को प्यार करती है, खतरे की जगह नहीं भेजना चाहती। लेकिन उस टाइम पे उनका जो है देश की प्रति इतना जज्बा था, इतना इच्छा थी, प्रेरणा मिली उन्हें कि वो आर्मी में भर्ती हो गए। और एक साल बाद जो है उनकी जो पोस्टिंग वहाँ पे हो गई थी जम्मू में, और 5 मई 1999 को उनकी शादी हुई। 15 दिन बाद 20 तारीख में उनके पास लेटर आ गया था फौज से कि आपकी छुट्टियाँ कैंसिल हैं। 1 महीने की छुट्टी थी, उनको तुरंत वहाँ बुला लिया गया। और उसके बाद जो है वहाँ पे उन्होंने कुछ टोलियाँ बनाई अपनी यूनिट में से, तो इनकी 7 बंदों की टीम थी, उसका नाम घातक प्लाटून था। और उन्हें कारगिल में टाइगर हिल नामक पॉइंट जो वो फतेह करने के लिए दिया गया, तो उनके कैप्टन थे कैप्टन बलवान सिंह। उन्होंने कहा कि आप इस टीम के गाइडेंस करोगे, आप सीनियर हो इस टीम में। तो ये 7 बंदे 3-4 जुलाई की रात को उस टाइगर हिल को फतेह करने के लिए ऊपर चढ़ने लगे। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी थी, 1700 फीट ऊंची, बर्फीले कटीले रास्तों से, नाले थे, पत्थर थे बड़े बड़े, उनको पार करते हुए कभी फिसल जाते थे, बजते बजाते ऊपर पहुंचे। जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो बिल्कुल पर घात लगाए हुए बैठे थे, वो इनको ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे थे। तो इन्होंने रस्सियों का और वैसा सहारा लेके छिप छिपा के ऊपर तक पहुंचे। फिर उन्होंने वहां पे उनके 3 बंकर नष्ट करे। कुछ घुसपैठिए नीचे थे, थोड़ा और आगे जाना था इनको, तो इनके वहाँ पे बहुत तगड़ी बमबारी हुई, गोली फायरिंग हुई, गोलियाँ चली चारों तरफ से, कई साथी इनके घायल हो गए और शहीद भी हुए कुछ। उसके बाद इनको 17 गोलियाँ लगीं और कुछ ग्रेनेड के टुकड़े लगे, जिससे इनको थोड़ा सा शरीर की चेतना कम होगी, बेहोशी की हालत में आ गए। और उसके बाद जब आतंकवादियों ने देखा कि ये सब मर चुके हैं, तो वो चेक करने के लिए आए कि कोई जिंदा तो नहीं है। उन्होंने मरे हुओं में भी राइफल लगाकर गोलियां दागी, इनके भी सीने पे उन्होंने गोलियां मारी थी, लेकिन उसमें जेब में जो है सिक्के रखे हुए थे 5-5 के सिक्के, तो वो गोली जो उसके सिक्के पे से फिसल गई। अच्छा, ये बताइए, शादी हुई उनकी, 15 दिन बाद युद्ध की घोषणा हो गई, लेटर भी आ गया, खबर आ गई कि आपको बॉर्डर पे आना है जी। माता जी की इच्छा नहीं थी कि बेटा मेरा फौज में जाए, उस समय परिवार का क्या माहौल था? उस समय परिवार का माहौल तो यही था कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो भी जो है पढ़ाई कर रहे थे, भर्तियां देख रहे थे, वो भी आर्मी में ही है, तो उन्होंने भी कहा कि सही है जाने दो, ये उसकी इच्छा है, रोको मत। मम्मी को समझाया और वो मान गई। पिताजी ने भी माता जी को? हाँ हाँ, तो वो मान गई। अब अपने बड़े भाई के अदम्य साहस के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उनको उनसे सबक लेना चाहिए और देश रक्षा के लिए आर्मी में भर्ती होना चाहिए, और ताकि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें, जिस तरह से योगेंद्र जी ने किया था।
मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सभी अपना देश का रक्षा करें, और का अभी कारगिल विजय दिवस आने वाला है, उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, वह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, और जो शहीद हुए हैं उनको कोटि कोटि नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं भाई लगता हूँ बेटा, मैं स्टार्टिंग में तो ये उन्होंने यहीं से सनोटे से ही पढ़ाई की थी, और उसके बाद करीब 18 साल के आसपास भर्ती भी हो गए थे, और उनके पिताजी उसमें मिलिट्री में सर्विस करते ही थे स्टार्टिंग से ही। बाकी फिर भर्ती होने के बाद में फिर करीब 1.5 साल के आसपास वहाँ पे फिर कारगिल युद्ध में लड़ाई हुई गई थी, तो फिर वहाँ चले गए। वहाँ पे फिर यहाँ पर तो रात को पता चली थी कि बल्कि वहाँ से फ़ोन शायद ससुराल में पहले पहुँचा था, वहाँ से फ़ोन आने के बाद में रात को करीब 11-12 बजे करीब यहाँ पे आया, तो उससे अगले दिन फिर यहाँ पे बेस हॉस्पिटल में यहाँ दिल्ली ले आए थे उन्हें। फिर 2 दिन बाद यहाँ से अगले दिन यार कुछ आदमी तो रात में चले गए थे देखने, कुछ 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे गए थे, फिर 16-17 महीने फिर वहाँ एडमिट रहे। तो ये उनके फादर जो थे उन्होंने भी कोई युद्ध में लड़ाई की थी? हाँ, 1971 में लड़ाई में थे। तो फादर भी फौज में थे? जी हाँ। क्या जुनून था उनका देखने का बचपन में, मिला था आपको कि मतलब फौज में जाना है? नहीं, थोड़ा सा ये तो होता ही है जब परिवार में सभी जब खुद मिलिट्री में थे तो उनका भी जुनून यही था कि मैं भी मिलिट्री में ही जाऊंगा। इतनी कम उम्र के मैं उनको परमवीर चक्र से जो है नवाजा गया जी, इस पर क्या है? ये तो जी उस समय तो हमें बहुत कुछ सब गलत ही गलत लगा, लेकिन सब कुछ तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, और ये तो हमारे के देश के लिए क्या पूरे विश्व में ये ख्याति हुई है। फिर उसके बाद तो क्या कहना चाहेंगे आप देश के लिए और अब तो इस उसमें मैं आपके अब क्या बताऊं, ये तो सभी पूरे देशवासियों को पूरी जानकारी है। ये वो जब भर्ती हुए तो 16 साल 5 महीने के करीब थे वो, और उनके जो पिताजी है वो भी पहले फौजी थे। तो क्या रहा उनका, पढ़ाई कहाँ से हुई? पढ़ाई हुई थी उनकी श्री कृष्ण इंटर कॉलेज सनोटा से। क्या बचपन में फौज की बातें करते थे? जैसे घर का माहौल होता है, पिताजी फौज में है तो अपनी यही बात चलती रहे वहीं, तो जब घर की बात चले तो वो भी ये करे हम भी जिसकी सेवा करेंगे कुछ। तो जैसे भर्ती पढ़ाई खत्म हुई वैसे उन्होंने फिर भर्ती के लिए सोच लिया, थोड़ी एज में भर्ती हो गई जल्दी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 99 में जो ये कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, तो उनको 17 गोली सीने आए थे शरीर में, 17 गोली लगी थी। जब सूचना मिली आपको कि आपके बेटे भतीजे को 17 गोली लगी, तो क्या था मन में पूरा? मैं मन में तो यही था भगवान सबको सुरक्षित रखे, देश की सेवा कर रहा है, अपना अपना भी नाम हुआ उसमें। भाई ये जो परमवीर चक्र मिला ये तो बाद में मिला है, लेकिन उस टाइम तो सबको यही था अब इतनी सेवा करके कैसी भगवान इसकी उम्र बचा दे, जिंदगी बचा दे, बस सबको यही अभिलाषा थी। तब फिर वो काफी टाइम बाद गांव में लौटे, तो क्या माहौल था गांव का? वो चोट लगने के बाद जब चोट लगी तो वहां पहले तो वही ट्रीटमेंट था जम्मू या कश्मीर में रहा था, उसके कुछ दिन बाद फिर यहाँ आए थे दिल्ली बेस अस्पताल में। यहाँ तो हम लोग भी गए देखने के लिए, पूरा गांव गया था, रिश्तेदार सब गए देखने के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें उस टाइम पर ये नहीं कह सका अब ये बच जाएगा। ये तो ऊपर वाले की लीला थी जो वो बच गए, उनकी जिंदगी थी। और लगभग मतलब 1.5-2 साल या 2 साल करीब या 1.5 साल इतने वो अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। क्या किस नजरिए से आप उनको देखते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने देश के लिए काम किया? भाई ये लगा लो भाई उन्होंने तो नाम करा, लेकिन नाम तो हमारा भी हुआ, फिर भाई गांव का भी नाम हुआ है, जिले का भी नाम हुआ है, और भैया अपना नाम तो है ही है, बहुत अच्छा नाम किया उन्होंने, पूरे एरिया का नाम था, जो हमारा एरिया है पूरे एरिया का नाम था।
भाई परमवीर चक्र के लिए ये तो बाद में, लेकिन जिसने 17 गोली सीने में खाई हो और उसकी जिंदगी भगवान सुरक्षित रखे, फिर भी वो लड़ाई लड़ता रहा 17 गोली खाने के बाद भी, तो ये बहुत वीरता थी उसकी। मेरा नाम जय भगवान सिंह है, हमारे छोटे भाई हैं जी। हाँ जी, छोटे भाई क्या मतलब उनकी, जब गांव में वो रहते थे पढ़ाई करते थे, क्या दिनचर्या रहती थी लगभग उनकी, और कैसे मतलब एक आर्मी में इतनी कम उम्र में जाने का उनको जुनून चढ़ा और फिर कैसे आगे का सफर रहा? देखो बच्चे कोशिश तो सभी करें, लेकिन बचपन में उनका जो जुनून था देश के प्रति, मिलिट्री के प्रति, वो कुछ अनोखा था। बचपन में खेल खेल में भी वो मिलिट्री की, देश सेवा की बात करते थे, राष्ट्र सेवा की बात करते थे, तो उनका जज्बा एक अलग था। बच्चों में जब खेल खेलते थे तो भी ऐसे ही खेल खेलते थे, अब भाई बंदूक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो, कुछ आतंकवादी बन गए, कुछ वैसे बन गए फौज के सिपाही, और वे आपस में जो लड़ाई भी लड़ते, मतलब ऐसा जज्बा था बचपन में खेलते। हाँ जी, बचपन के खेल। कितनी उम्र में फिर भर्ती हुए? 16 साल 5 महीने के मिलिट्री में भर्ती हो गई जी। उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ जी, उसमें भी उनकी एक अद्भुत वीरता रही, मतलब 17 गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, और देश के प्रति इतना जज्बा रहा कि वो अंत तक लड़ते रहे। अंत में जब उन्हें ऐसा लगा, उनके पाकिस्तानी कई आतंकवादियों को, बहुतों को मारा उन्होंने, और कारगिल की चोटी पर जाकर झंडा फहराया, जो बंकर में छिपे हुए आतंकवादी थे, घुसपैठी थे, उनको बम्ब थे उनके पास, बम्ब फेंके उनके ऊपर, कुछ बम्ब से मरे, कुछ उनकी राइफलें उठाकर खिसक खिसक के एक हाथ एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, फिर भी जो बराबर लड़ते रहे, कोशिश करते रहे कि मैं देश के लिए कुछ करूं, जीवन तो खत्म है ही, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ देश के लिए करके जाऊं, और अंत में वे अपने प्रयास में सफल हुए, और उन्होंने अनंत घुसपैठियों को मार करके कारगिल की चोटी पर अपना झंडा फहराया, और तब आने का रास्ता ढूंढने लगे। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि एक नाला जो नीचे को जा रहा, उस नाले में खिसक खिसक के उस नाले में वो पहुंचे, और उस नाले में धीरे धीरे खिसक खिसक के पहाड़ी से नीचे उतरे जहां उनकी बटालियन, और वहां कर उन्होंने जब वहां के लोगों ने देखा कि ये ऐसे क्या, कितनी बुरी हालत है, तो उन्होंने जब उनका ट्रीटमेंट किया, उनको देखा पूछा, यानी उनकी आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया, बहुत बुरी हालत थी, बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी सेना ने बड़ी बहादुरी से तुरंत उनका उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कराया, और 30 दिन तो यहाँ दिल्ली बेस हॉस्पिटल में ला करके भर्ती कराया। अब कारगिल विजय दिवस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे योगेंद्र जी और देश के लिए? देखो ये तो देश के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि कारगिल विजय दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से मनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है, और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी भाई योगेंद्र यादव की तरह देश की सेवा करनी है, देश के लिए बहादुरी से लड़ना है। जितने आतंकवाद अब आप देख रहे हैं, रोज हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद अब भी कम नहीं है, तो इस आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे बच्चों में, हमारे युवा पीढ़ी में जज्बा होना। मेरा नाम नरेशपाल यादव, योगेंद्र जी मेरे परिवार के नज़दीकी हैं, और मेरे तो रिश्ते में शायद चाचा लगते हैं। इतनी कम उम्र में सेना में भर्ती होना और उसके बाद सीने पे 17 गोलियां खाना, क्या कहेंगे योगेंद्र जी? देखिए ज़्यादातर परिवार सेना में ही रहा है, इनके पिताजी सेना में थे, भाई भी सेना में हैं, चचेरे भाई भी सेना में हैं, और सेना से तो इनका मैं समझता हूँ पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार संपर्क है। कैसे? जैसे कि आपने बताया कि वो आपको चाचा लगते हैं, तो चाचा भतीजे के बीच में पहुंच की बातें होती थी? नहीं, एज का डिफरेंस काफी था, मैं उम्र में उनसे काफी बड़ा हूँ, और मैं भी सर्विस में रहा, कभी मुलाकात भी कभी होती है। कभी बात हुई थी मुझे फौज में जाना है, तैयारी करनी है? हाँ, उसके फौज में जाने के बाद ही मुलाकात हुई ज्यादा था, इंटरेस्ट उनका मिलिट्री में ही ज्यादा था। अब दुश्मन से जैसे उन्होंने धोखा लिया,
17 गोली अपने सीने पे आई है, देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, क्या कहेंगे उनको? देखिए तो पूरे देश की ही बात है, पूरे देश का ही गौरव है, और योगेंद्र यादव ने पूरे देश का नाम रोशन किया, साथ साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन किया। क्या चाहते हैं गांव से और योगेंद्र यादव? देखिए चाहते तो सब हैं, लेकिन सबकी चाहते पूरी कहाँ होती है, बच्चों में तो उस समय इतना रोष था कि हर बच्चा मिलिट्री में जाना चाहता था, लेकिन अब कुछ सरकार की परेशानियां हैं, कुछ बच्चों की परेशानियां हैं। मेरा नाम रामबल सिंह यादव है जी, और मैं योगेंद्र यादव जी से योगेंद्र यादव जी का भाई हूं बड़ा। कारगिल विजय दिवस आ रहा है, हाँ जी, योगेंद्र यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्या कहेंगे इसमें? देखो कारगिल दिवस है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा अहम दिन है, और इसके लिए हम यही कहेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से मनना चाहिए, और मतलब ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए जो हर साल ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। योगेंद्र यादव जी के बारे में कुछ बताइए। योगेंद्र यादव जी ये छोटे भाई हैं मेरे, और पढ़ते टाइम ही इनका आर्मी में जाने के लिए बड़ा वो था जी मन। हमारे चचा लगते हैं इनके पिताजी, वो भी आर्मी से रिटायर थे, वो उसमें फिर इन ये 16 साल 5 महीने में ये भर्ती हो गए थे, और फिर 5 मई 99 में इनकी शादी हुई, उस टाइम ये 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे, लेकिन छुट्टियां बीच में ही उधर जो कारगिल युद्ध शुरू हो गया, इनके लेटर आ गए, छुट्टी इनकी कैंसिल हो गई, और ये बताए बगैर, ये नहीं बताया कि मुझे मेरा लेटर आया, इन्होंने बोला कि मेरे छुट्टी ख़त्म हो गई 20 मई 99 को, ये चले गए थे वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद में यूनिट से अपना इनकी एक घातक प्लाटून बनाई गई, उसमें ये इनको भेजा गया टाइगर हिल पे, तो वहाँ जाने के बाद में जो हमारी जो पाकिस्तानी सेना थी वो बैंकरों में छुपी हुई थी, वहाँ जाके इनका घमासान हुआ जी बहुत ज़्यादा, जो इनके साथी थे वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद में इनको 17 गोलियाँ लगी, इनका एक हाथ बिल्कुल छलनी कर दिया, और पैर ऊपर धरा बंद कर दो, लेकिन लोहलुहान हो गए इन्हों। पाकिस्तानी सेना ने इनको सब बहुत बेरहमी से मारा, मतलब गोलियां सटा सटा कर मारी। 17 गोली लगने के बाद होश हवास इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन जज्बा देश के प्रति वही था कि भाई जो हम कुछ करें, वो आपस में जैसे बतलाए हुए थे अब भाई ये करना है, तो इन्होंने ग्रेनेड फेंका, तो उनको ये लगा कि इनका जो पीछे से कवरिंग फायर हो गया, तो बौखलाकर भागने लगे। इन्होंने फिर अपना हाथ, दाहिना हाथ मतलब ख़त्म हो गया था, बेल्ट से बांध के, और वहाँ से चोटी से फिर ये ऐसे लेटते हुए लुढ़क तक नीचे आए। वहाँ के इन्होंने बताया कि भाई जो ऐसे ऐसे बात है, और उसे बताने के बाद में फिर इनको ये बेहोश हो गए बिल्कुल, इनको फर्स्ट एड दिया गया, वहाँ अपनी सेना वो लड़ाई रेडी, फिर ये यहाँ बेस भेजे गए जुलाई में, 10 जुलाई को, फिर यहाँ इसमें 16 महीने रहे बेस हॉस्पिटल में, यहाँ से जो फिर अपना जो भगवान ने स्वस्थ कर दिया इनको। अच्छा योगेंद्र जी के साहस के लिए क्या कहेंगे आप? देखो उसकी उसके साहस के लिए तो पूरा देश ही बहुत ही गौरवान्वित है, और सभी लोग इनके साहस की सराहना करते हैं। इन्होंने जो अपने देश के प्रति जो एक सैनिक का फर्ज होता है वो निभाया। जिस समय सूचना मिली कि इतनी बड़ी बात हो गई है, उस समय गांव का क्या माहौल? उस टाइम तो गांव में
बहुत ही गमगीन माहौल था, लेकिन जब यहाँ बेस हॉस्पिटल में आ गए ये, तो वहाँ सबसे पहले तो परिवार के हम ही लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद में देखा तो सांस तो थी लेकिन कंकाल था हड्डियों का, वैसे शरीर में कुछ नहीं था। लेकिन फिर रोज गांव का दो चार दस पांच आदमी रोज जाने लगे, वे हौले हौले स्वस्थ होते चले गए। तो बस फिर तो गांव का, और जब ये परमवीर चक्र वो जनरल साहब आए थे हॉस्पिटल में ही 14 अगस्त को, उन्होंने ये परमवीर चक्र की घोषणा की थी भाई, और उससे तो फिर देश में गांव में तो बहुत ही वो खुशी का माहौल पैदा हो गया। तो गांव, जिला और देश की बात है, ये तो गौरव की बात है। गांव के बच्चे, गांव के युवा कहते हैं कि हमें भी योगेंद्र यादव बनना। गांव के युवा तो कहते हैं, भर्ती हो रहे हैं और भर्ती भी हो रहे हैं, लेकिन अब तो क्या भर्ती नहीं हो रही तो क्या करें, युवा ही क्या करें बताइए। कारगिल विजय दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कारगिल विजय दिवस तो हो तो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।